बुधवार को नेहरू इंटर कॉलेज बिछिया में आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता का पुलिस अधीक्षक यातायात आदित्य प्रकाश वर्मा ने फीता काटकर उद्घाटन किया। प्रतियोगिता का मुख्य विषय यातायात सुरक्षा था, जिसमें 42 छात्रों ने प्रतिभाग किया और यातायात संबंधी संकेतों और नियमों को कला के माध्यम से दर्शाकर अपना हुनर दिखाया। संयोजक चित्रकला प्रतियोगिता नीतू राय की नेतृत्व में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य नेहरू इंटर कॉलेज डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह तोमर, सुनीता सिंह, संध्या शाही, वीरेंद्र दीक्षित, घनश्याम, पीके सिंह सहित अन्य शिक्षक और शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए संयोजक चित्रकला प्रतियोगिता नीतू राय और प्रधानाचार्य नेहरू इंटर कॉलेज डॉक्टर एमपी सिंह तोमर ने कहा, आप इन सब लोगों के नाम भी भिजवा दीजिएगा। लगे रहो भी लगे रहो। चित्र के द्वारा हम बच्चों में उत्साह भरना चाहते हैं कि कैसे हमें रोड पे चलना चाहिए, कैसे अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। बस इस प्रतियोगिता का यही महत्व है। कितने बच्चे से? 40 बच्चे। ये श्रीमान, ये चित्रकला प्रतियोगिता है और ये जो है यातायात सुरक्षा के अंतर्गत एसपी यातायात द्वारा आज जो है उन्होंने विद्यालय को समय दिया था, तो हमारे यहाँ की लेडी टीचरों ने चित्रकला प्रतियोगिता करा करके उनके पूरे कार्यक्रम में थोड़ा जो है और उत्साह भरने का कोशिश किया है। और हमारे यहाँ के 40-50 बच्चे ये जो चित्रकला बना रहे हैं, ये महिला चित्रकला की जो अध्यापिकाएं हैं और शेष महिला टीचर्स और युवा जो है हमारे यहाँ जो अध्यापक हैं, उनके सहयोग से ये सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। इसका उद्घाटन माननीय एसपी ट्रैफिक साहब ने अभी कुछ ही क्षणों पहले किया है।